प्रिय बच्चों, नमस्ते, सुप्रभात। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज संस्कृत की क्लास में हम सभी सीखेंगे संस्कृत वर्णमाला। बच्चों, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। आप एक बात बताइए, जब आपने स्कूल ज्वाइन किया था सबसे पहली बार, तो आपको क्या सिखाया गया था? अंग्रेजी के अल्फाबेट्स, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, सिखाया गया था ना। किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके अक्षरों से परिचय करना पड़ता है। अगर हम उस भाषा के अक्षरों से परिचय नहीं है, उससे परिचित नहीं है, तो वो भाषा हम समझ नहीं सकते। अब इसलिए आपने हिंदी पढ़ी तो हिंदी में आपको सिखाया गया क ख ग घ अंगा, च छ झ झ य, त थ द ध न, प प प भ म, ये आपने वहां भी पढ़ा। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, इस फिफ्थ में जब आपके संस्कृत का आपके पास संस्कृत आपको इंट्रोड्यूस हुई है, संस्कृत आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत को पहली बार पढ़ने के लिए आज मैं आपका वर्ण यानी अक्षर से परिचय करा रहा हूं। सबसे पहली बात क्या है बेटा, ये कॉपी में लिख लेना। आज के टॉपिक का नाम है संस्कृत वर्णमाला। आप अपने कॉपी में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संस्कृत वर्णमाला। मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। ये आप लिखेंगे संस्कृत वर्णमाला। मैं समझता हूं दिख गया होगा आपको, संस्कृत वर्णमाला ये टॉपिक है आपका। सबसे बड़ी पहली बात, वर्ण हम कहते किसको हैं, अक्षर को, तो वो भी मैं लिख के आपको बता देता हूं। वर्ण भाषा की छोटी से छोटी इकाई को वर्ण अर्थात अक्षर कहते हैं। देखो, ये देखो मैंने क्या लिखा, भाषा की छोटी से छोटी इकाई को वर्ण अर्थात अक्षर कहते हैं। मैं दोबारा बोल देता हूं, भाषा की छोटी से छोटी इकाई को वर्ण अर्थात अक्षर कहते हैं। इसके बाद चलेंगे वर्ण। हमने बच्चों समझा कि भाषा की छोटी से छोटी इकाई को वर्ण अर्थात अक्षर कहते हैं। फिर क्या होता है आगे देखो, इन वर्णों से यानी अक्षरों से शब्द बनते हैं, इन वर्णों से
शब्द बनते हैं। और बच्चों ये संस्कृत में वर्ण माने अक्षर जो हैं ये वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, ये आप सबसे पहले नोट करेंगे। इन वर्णों से शब्द बनते हैं। वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बच्चों? स्वर, व्यंजन, अयोगवा। ये मैं लिख के दिखाता हूं आपको। सबसे पहले होते हैं बच्चों स्वर, फिर होते हैं बच्चों व्यंजन, फिर तीसरा है अयोगवाह। आपको मैं समझाता हूं, पहले ये देखो आप, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब बच्चों एक छोटी सी बात समझिएगा, स्वर क्या है लिख के आपको समझाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए मेरे से। संस्कृत में हम लोग एक पंक्ति बोला करते हैं, वो केवल बोलने के लिए, अभी आप नहीं समझ पाएंगे, आपके लिए प्रारंभिक है। स्वर उनको कहते हैं स्वयं राजन्ति इति स्वरा। हिंदी बता दूं, जो स्वयं अपना राज करते हैं उनको स्वर कहते हैं। क्या मतलब है बच्चों? देखिए दो प्रकार के अक्षर हैं, एक वो अक्षर हैं जिनको किसी की बोलने में सहायता नहीं लेते हैं, और एक अक्षर वो होते हैं जो बोलने में दूसरे की सहायता लेते हैं। अभी आप नहीं समझेंगे, देखिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा, आप बोल दीजिए अ, ए लिखा ए, और आप देखिए ये मैंने क्या लिखा का, क्या लिखा का। अब आप देखेंगे जब हम आ बोलेंगे आ, तो आप ध्यान दीजिएगा आ के बाद केवल आ की ही साउंड है, और अगर क बोलेंगे तो का के बाद ए की साउंड है। अब ध्यान देना जरा, ये इंडिपेंडेंट है, और इस कै में बेटे क्या है कि ये बना है कै प्लस ए इक्वल टू कै, ऐसे बना कै, हलंत लगा इसमें और फिर ए है तो इक्वल टू बन जाएगा कै। मैंने आपको बताया कि वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, तो बच्चों ये जो ए है, जैसे मैंने आपको परिभाषा दी, जो इंडिपेंडेंट है, आप देखेंगे आ को बोलने के लिए हमने किसी की हेल्प नहीं ली, आप उच्चारण कीजिए आ तो अ ही आएगा अंत में, लेकिन बच्चों अगर क बोलेंगे तो क्या आएगा का, अंत में साउंड आएगी ए की। इसी प्रकार से बोलिएगा ई तो अंत में ई ही आएगी, लेकिन आप बोलिएगा खा तो अंत में ए आएगा। यानी सीधा सा मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि जो अक्षर इंडिपेंडेंट है साउंड में, बोलने में, उनके अंत में अन्य किसी अक्षर के उच्चारण की आवाज नहीं आती है, उनको कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं बच्चों? स्वर। और बच्चों स्वर होते हैं 13, कितने होते हैं? 13। अब आइए सबसे पहले आपको मैं स्वर की परिभाषा लिखवा देता हूं, क्योंकि आपको मैंने समझाया कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए, यानी सीधा सा इसका अर्थ हो गया स्वर उनको कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। मैं लिख देता हूं इसको ताकि आप सब इसको अच्छे से समझ पाए। आप लिखेंगे बेटा व्याख्या में सबसे पहले स्वर, तो इसमें लिख देंगे जिन वर्णों के
उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। ये देखो देखो इधर, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। ये लिखेंगे आप, इसके बाद आप लिखेंगे, मैंने आपको बताया स्वर 13 होते हैं, ब्रैकेट में 13 वर्ड लिख लेंगे, स्वर 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, बोलते जाएंगे, ए आ आ आ, फिर बोलेंगे ई ई बड़ी, फिर बोलेंगे आप ऊ ऊ बड़ा ऊ, फिर बोलेंगे री री, ये देखेंगे ए आ ई ई ऊ ऊ री री, दो मात्राएं लगी हैं देखो री में, ए री में एक मात्रा है और दूसरे जो बड़ी री है री, उसमें दो मात्राएं री री। इसके बाद अगला अक्षर है बच्चों री री, फिर है ए आई ओ औ। अब आप देखो ये पूरा है आपके सामने आ गया, मैं दोबारा इसको दिखा के आपको बोलना चाहूंगा, मेरे साथ बोलेंगे आ आ ई ई ऊ ऊ री 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 ए आई ओ औ। ये बच्चों लिख लेंगे आप, हमेशा ध्यान रखेंगे स्वर वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनको बोलने में किसी की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती है। आप ये लिखेंगे। अब आपको मैं आगे बताता हूं स्वर के बाद दूसरा, बच्चों मैंने बताया था स्वर के बाद क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर के बाद आपको बताया था व्यंजन होते हैं, यानी जैसे आ लिखा मैंने, फिर साथ में का लिखा, तो आपने ध्यान दिया हो अ के उच्चारण में अंत में अ ही आता है, लेकिन का के बाद का, तो अब जो है अ आ ई ई ऊ ऊ री 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 ए आई ओ औ, ये 13 आपने सीख लिया, 13 टोटल है कितने, 13। अब व्यंजन जो हैं वो होते हैं बच्चों जो अक्षर खुद ना बोले जाए वरन किसी की सहायता लेके बोले, उनको किसी की हेल्प चाहिए। जैसे आपको मैंने अभी बताया था, दोबारा आपको बता के फिर चलता हूं, जैसे कहीं पे अगर क लिखा है ये, तो इसको अगर ब्रेकअप करेंगे तो ये आएगा क प्लस ए और इक्वल टू क, ऐसे बनाएंगे इसको। अगर कहीं केवल ये क आ जाए आपके पास, तो इसको इस प्रकार से का में हलंत, हलंत बोलते हैं डंडा, जहां पे तिरछी रेखा नीचे लगी हो बच्चों, इसको बोलते हैं हलंत, यानी उस अक्षर में ए नहीं है। जहां पर भी आप जैसे कह में देखो नीचे हलंत एक छोटा डंडा लगा है, तिरछी रेखा बोलते हैं इसको, ऐसी तिरछी रेखा जहां पर भी लगी हो सोच लीजिए वहां पर उस अक्षर में ए नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं बच्चों व्यंजन। दूसरे नंबर पे आपको क्या हेडिंग देना है, व्यंजन। व्यंजन का क्या मतलब है बच्चों,
इसकी परिभाषा लिख लेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये देखो बेटे, ऐसे लिखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब बच्चों लिख लेंगे, व्यंजन 33, 33 होते हैं। व्यंजन देखो कितने होते हैं, देखेंगे इधर, व्यंजन 33 यानी 33 होते हैं। कौन कौन से हैं, अब मैं आपको इनको लिख के दिखाऊंगा। देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हैं, इनका डिवीजन कर देते हैं हम, कवर्ग यानी क वर्ग में जो हैं, उसके बाद करते हैं बच्चों चवर्ग, फिर करते हैं टवर्ग, फिर है तैवर्ग, फिर है पैवर्ग और अंतस्थ ऊष्म। मैं लिख रहा हूं यहां पे क ख ग घ अंग। फिर लिखेंगे बेटा चवर्ग में च छ ज झ ये पहले आप नोट कीजिए, थोड़ा स्याही इसकी जरा साफ सी नहीं है तो आप थोड़ा देखेंगे आ रहा होगा। कवर्ग में क ख ग घ अंग, फिर है च छ ज झ य। अब लिखेंगे बेटा टवर्ग ट ठ ड ढ और न। फिर लिखेंगे बेटा तवर्ग ता थ द ध न। फिर पवर्ग लिखेंगे पा फ ब भ म। इसको जरा एक बार कीजिए, देखिए इधर आपकी फोटो इसमें अक्षरों की आ जाएगी। ट ठ ड ढ ण तवर्ग है बच्चों ता थ द ध न, पवर्ग है मेरे बच्चों प फ ब भ म। इसके बाद है बच्चों अंतस्थ, य र ल व और ऊष्म है श श
सै है। ये देखेंगे अब बचे थे आपके अंतस्थ और ऊष्म। अब बच्चों तीसरा अक्षर और समझा देता हूं और आपको मैं ये सारा का सारा जो कार्य है ये वीडियो तो मैंने आपको समझा दिया अक्षर परिचय क्या है, साथ में आपको मैं अभी एक फोटो भी भेजूंगा इसका कि आप वहां से भी देख के लिख लें लेकिन इसको समझ के लिखें और ध्यान पूर्वक अगर शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अब बच्चों तीसरा है अयोगवाह, इसको आप यूं समझें कि यह दो प्रकार का होता है, जैसे नंबर एक अनुस्वार, अनुस्वार बोले तो बच्चों नाक से बोले जाने वाला, और दूसरा है आप देखेंगे संस्कृत में दो बिंदु लगते हैं उनको हम विसर्ग कहते हैं। ये देखो आप ये चिन्ह सहित है, देखो इधर अनुस्वार, ऊपर देखो जैसे नाक से बोलते हैं यहां वहां कहां, इसी प्रकार से विसर्ग, विसर्ग दो बिंदु लगी है, जैसे आप हिंदी में राम बोलते हैं तो राम के आगे अगर दो बिंदु लगी है तो आप बोलेंगे राम है, बालक के आगे दो बिंदु लगे हैं तो आप बोलेंगे बालक है, ये इसका अभिप्राय है। तो इनको आप अभी करेंगे, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखते हुए सारा काम, आपके पास जो भी कॉपी है कॉपी नहीं है, जिस काम में आप जहां भी कर रहे हैं इसको कर लीजिए, क्योंकि इसको समझ पाएंगे तभी आगे संस्कृत में आप चल पाएंगे।